हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी जो है सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं जो है सुबह के सारे काम निपटा कर नहा धो करके आ चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और जो भी मैं बनाती हूँ वो आप लोगों को दिखाती रहूँगी, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ मिलते रहे। मैं चावल का धुला हुआ पानी एक डब्बे में स्टोर कर रही हूँ दोस्तों, और इसका मैं बाद में क्या करती हूँ मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी मुझे इस गोभी को काट लेना है, मुझे इसके बड़े बड़े पीसेस करना है। सब्जी धुले हुए पानी को भी उसी डब्बे में स्टोर कर लूंगी जिसमें मैंने चावल धुले हुए पानी को स्टोर किया था, और जितने भी छिलके निकलेंगे उनको भी मैं उसी डब्बे में रख लूंगी। मैं आज बिना चॉपिंग बोर्ड के सब्जियां काट रही हूँ दोस्तों, कभी कभी मैं ऐसे ही काट लेती हूँ। अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, मैं पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी, दो छोटी चम्मच जीरा पाउडर, दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर, मुझे इसे कुछ देर तक अच्छे से चलाते रहना है। थोड़ा सा गरम मसाला, सब्जियों में मसाले थोड़ी कम रखती हूँ दोस्तों। जब तक इसमें उबाल आती है तब तक मैं दूसरे डिश की तैयारी करती हूँ। इसमें उबाल आ चुकी है, अब हम इसको ढक्कन लगा कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे।
हम आलू को चेक कर लेंगे एक बार। ये अब तक अच्छे से बॉईल नहीं हुई है। मैं इसे दोबारा से ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। आलू बॉईल हो चुकी है अच्छे से। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए मछली के कुछ पीसेस डाल रही हूँ। हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मैं कुछ फ्राई किए हुए मछली के पीसेस में से उनके कांटे निकाल लूंगी। मैंने इनमें से सारे कांटे निकाल लिए हैं दोस्तों। अब मैंने जो प्याज लहसुन और मिर्ची को फ्राई किया था उसको मैं इसमें डालने वाली हूँ। और इन्हें मैं अभी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और फिर से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं ऊपर से थोड़े से धनिया के पत्ते इसमें डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा फ्राइड फिश का चटनी रेडी हो चुका है। अब भी इस तरीके से घर में फ्राइड फिश के चटनी बना करके खाइए। ये बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। हमारी फिश करी रेडी हो चुकी है दोस्तों। मैं इसमें भी ऊपर से धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब मैं हरी चटनी बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने लिया है 2 लहसुन की कलियाँ और जो गोभी के पत्ते हम फेंक देते हैं उसी गोभी के पत्ते के स्टेम को हम काट लेंगे। हमें स्टेम नहीं चाहिए, इसलिए मैं जो पत्ते हैं उसको निकाल लूँगी। अब मैंने लिया है आधा टुकड़ा टमाटर, इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े हरी धनिया, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल। अब मैं इसे अच्छे से पीस लेती हूँ। मैंने इसे पीस लिया है दोस्तों। देखिए हमारी हरी चटनी जो है बनकर रेडी हो चुकी है। ये भी काफ़ी टेस्टी है दोस्तों। आप इसे भी घर पर बना करके ट्राई कर सकते हैं एक बार। शाम हो चुकी है और दोपहर में जो मैंने चावल धुला करके पानी रखी हुई थी उससे मैं अभी क्या करती हूँ दिखाती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने दोपहर को जो है चावल धुला करके पानी इसमें रख दिया था और जितने भी सब्जी आज मैंने धुलाए हैं सारा जो पानी है मैंने इसमें रख दिया है। और अभी मैं इसको जो है इसकी पानी को छानने वाली हूँ। इसमें छान करके फिर मैं इस स्प्रे बोतल में डालने वाली हूँ। सब्जी आप काटते हैं प्याज लहसुन सबके जो छिलके हैं उसको डाल सकते हैं। और इसको मैं आप इस स्प्रे बोतल में डाल दूंगी। देखिए ये भर चुकी है। अब मैं इसको जो है अपने पौधों में स्प्रे करने वाली हूँ। इस तरीके
तरीके से जो है ये जो चावल और सब्जियों का धुला हुआ पानी होता है ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। और इस तरीके से जो है पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है, जो भी हम चावल और सब्जियां धुला करके पानी हम फेंक देते हैं उसको हम पौधों में डाल सकते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको जो है अपने पौधों में डालने वाली हूँ। शाम हो चुकी है दोस्तों, और ये देखिए चिकू और बिनी को, ये दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हैं दोस्तों। ये शाम होते ही अपने केज में आकर बैठ जाते हैं। ये देखिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया है लेकिन फिर भी ये अपने केज से बाहर नहीं आते हैं। इनको पता है कि शाम होते ही इनको अपने केज में बैठना है। मैं इनको शाम होते ही इनके केज में इसीलिए रखती हूँ दोस्तों क्योंकि जो है शाम को बिल्ली वगैरह आ जाती है तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। क्या कर रही है बेटा? टीवी देख रही हूँ। क्या देख रही है टीवी में? रुद्रा। ठंडी लग रही है। ये क्या है? इधर मेरी वॉच और कॉइन्स। कॉइन्स है? हाँ, तीन कॉइन्स। और एक फ्लावर, प्लास्टिक का फ्लावर है। दिखाना अपना वॉच, दिखाना आ रहे थे। और ये टाइम बदलने वाला छोटा-छोटा स्विच है। ये फ्रोजन एल्सा है। एल्सा है ना? हाँ, फ्रोजन एल्सा। और जब ठंड लगती थी सिर पे तब ये पहन लेती थी, जब ये सो लेती थी। तो दोस्तों अभी जो है मैं चाय के साथ कुछ खाने के लिए बनाने के लिए जा रही हूँ, तो जो भी बनाती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए किचन में चलते हैं। दोस्तों मैं अभी बनाना के पकोड़े बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने चार बनाना ले लिया है और इसको मैं आटा के साथ बनाने वाली हूँ। अब मैं इसमें 3 चम्मच सूजी डाल रही हूँ। और 3 चम्मच पाउडर्ड मिल्क भी डाल रही हूँ मैं इसमें। अभी मैं इसमें थोड़ी सी आटा डाल रही हूँ। अब
थोड़ी सी कैस्टर शुगर भी मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके पकौड़े तल लूँगी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में घी लिया है। पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी जो है इस कढ़ाई में जितने भी घी बची हुई है उससे मैं सूजी का हलवा बनाने वाली हूँ। मैंने छोटे कप से 1.5 कप सूजी लिया है। अगर आप बड़े कप से ले रहे हैं तो 1 कप ही काफी होगा। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी चाय बनकर रेडी हो चुकी है और आज हम बनाना के पकोड़े और सूजी के हलवे के साथ अपनी चाय एंजॉय करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।